हाय स्टूडेंट, सीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में जो सीखने वाले हैं एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप फंक्शन के बारे में, फॉर्मूले के बारे में। चलिए हम जानते हैं इन फॉर्मूले का यूज क्या है और कैसे करते हैं और किस फंक्शन के कैटेगरी में आते हैं। देखिए, जो वी लुकअप है और एच लुकअप है, यह एक लुकअप फंक्शन है जिसे हम डाटा को आसानी तरीके से सर्च कर सकते हैं। जैसा कि देखो, मैंने एक डाटा बनाया है और मैंने इम्प्लाई आईडी लिखा है, इम्प्लाई नेम लिखा है, उनका एड्रेस लिखा है और मैंने सैलरी लिखा है। मतलब सपोज हमारे यहाँ जो भी लोग काम करते हैं, मैंने यूनिक आईडी दिया है, उनका नेम लिखा है, उनका एड्रेस लिखा है और कितना हम लोग सैलरी पेमेंट करते हैं, इनको देते हैं, वो हमने मेंशन कर दिया। और ऐसे मान लीजिए हम बहुत बड़ा सा डाटा बना के रखे हैं, इसमें प्रेजेंट टाइम में तो हमने तो 20 लोगों का बनाया है। ऐसे मान लीजिए 100, 150, 200, 1000 लोगों का डाटा हो, तो अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन का डाटा अगर हमको चेक करना हो, देखना हो, तो हम आसानी तरीके से चेक नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। ठीक है, अगर हम सोच रहे हैं क्यूकली तुरंत सर्च कर ले, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी लुकअप और एच लुकअप। लेकिन वी लुकअप का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और एच लुकअप का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, चलिए यह जानते हैं। जो वी लुकअप है, इसका प्रयोग हम वहां पे करेंगे जब हमारा डाटा वर्टिकल में बना हो, और एच लुकअप का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जब हमारा डाटा हॉरिजेंटल में बना। तो अगर हेडिंग जो हमारा है वर्टिकली में बना है, जैसे इसमें वर्टिकल है, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई नेम, एड्रेस, सैलरी, तो यहाँ पे काम करेगा वी लुकअप। और अगर वही हेडिंग हमारा इम्प्लाई आईडी, आईडी यहाँ पर आता, इम्प्लाई नेम यहाँ पर आता, एड्रेस एड्रेस यहाँ पर आता, तो उसे बोलते हैं हॉरिजेंटल हमने डाटा बनाया। तो जब वर्टिकल डाटा है तो वी लुकअप लगाएंगे, जब हॉरिजेंटल डाटा है तो एच लुकअप लगाएंगे। बोलो, दोनों सर्च करने का ही काम करता है, दोनों से हम लोग क्या करते हैं, सर्च ही करते हैं डाटा को। चलिए, तो हम एक सर्च बॉक्स ही बना लेते हैं। अब इस सर्च बॉक्स से हम रिजल्ट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। आते हैं, हमको क्या क्या चेक करना है, इम्प्लाई आईडी के हिसाब से नेम, एड्रेस, सेल। तो मैंने इसको कॉपी किया और लाके कहीं पे भी बगल में हमने यहाँ पे पेस्ट कर। यहाँ पे सर्च बॉक्स हमने बनाया। अब थोड़ा सा आल बॉर्डर कर लेते हैं, जहां तक हमको लाना है अपने डाटा को। अब देखिए होगा क्या, अब मैं सोच रहा हूं कि जैसे मैं लिखूं आईडी, तुरंत नेम आ जाए, एड्रेस आ जाए और सैलरी आ जाए, रिपोर्ट तुरंत बता दे। एक तो तरीके यहां से भी खोजेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। कोई बोले 107, तो यहाँ पे आना पड़ेगा 107 राकेश। फिर से कोई बोला 10 रोहन, और ज्यादा डाटा रहे तो आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल ना करके खोजने, हम एक सर्च बॉक्स बनाने जा रहे हैं। अब फायदा बहुत ज्यादा है, चलिए देखिएगा। अब हम किसी एक इम्प्लाई आईडी को कॉपी कर लेंगे और लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये रूल है, आपको कॉपी करके पेस्ट करना होगा, उसके बाद से इम्प्लाई नेम पे आएंगे और करेंगे इक्वल, और इक्वल करके लगाएंगे वी लुकअप। और वी लुकअप लगाने के बाद से सबसे पहला ऑप्शन है लुकअप वैल्यू। क्या है लुकअप वैल्यू? देखिए, जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू में हम वह डाटा सेलेक्ट करते हैं, वह सेल सेलेक्ट करते हैं जिसके हिसाब से हमको डाटा को चेक करना है। चेक किसके हिसाब से करना है, आईडी के हिसाब से। तो जो कॉपी करके पेस्ट किया है वही आईडी सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे कामा। उसके बाद अगला है टेबल एरे। तो टेबल एरे का मतलब किस टेबल से डाटा को सर्च कर रहा है, तो जो टेबल बना है उसी टेबल से। तो मैंने टेबल को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और टेबल को सेलेक्ट करने बाद से कर दिया कामा।
उसके बाद से पूछा जाएगा कॉलम इंडेक्स नंबर, क्या जी? कॉलम इंडेक्स नंबर, जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उसमें से हम उस कॉलम का नंबर बताएंगे जिस कॉलम का डाटा हमको देखना है। तो इम्प्लाई आईडी की सबसे देखना है, क्या देखना है? इम्प्लाई नेम कितने नंबर पे है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, तो ये हमारा 2 पे है। तो कॉलम नंबर बताएंगे जिसका रिजल्ट चेक करना है, तो 2 कामा। अब वैल्यू मैच के लिए लगाते हैं 0, मतलब वैल्यू एकदम सही है, ठीक है? ऐसा नहीं हम खोज रहे हैं 101 का और आ जा रहे 103 का, तो वैल्यू मैच के लिए हमेशा लगाते हैं 0 और ब्रैकेट को कर देते हैं बंद, एक बार बस करना हो और इंटर दबा देते हैं। तो देखिए आ गया सर्वेश चौबे, आया मतलब 101 पे कौन है? सर्वेश चौबे। अब जैसे हम आईडी चेंज करेंगे, अब कोई दूसरा कोई आ गया, अब बोल दिया सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यह है, मेरा आईडी यह है, तो मेरा चेक करिए डिटेल, तो बस हम लिख देंगे 101, इंटर। रमेश है क्या? रमेश अभी कहाँ आएगा, एक ही लगाए हो, तीनों लगा लें दो अभी, तो दिखा रहा हूं पहले कैसे होगा। अब मान लो देखो यहाँ पे 118 पे कौन है? राहुल, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 118 राहुल, मतलब जैसे हम आईडी चेंज करेंगे उनका डिटेल आ जाएगा, लेकिन एक बार सब पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने इम्प्लाई नेम निकाल लिया, अब एड्रेस निकालना है, सिंपल इक्वल ही लुकअप, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में किसके हिसाब से देखना है? आईडी के हिसाब से, तो आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे कामा। टेबल एरे किस टेबल से निकालना है? तो जो बड़ा सा टेबल है उस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, अब कितना बड़ा उसे मतलब नहीं है, कर देंगे कामा। कॉलम इंडेक्स नंबर में किस कॉलम का देखना है? तीसरे का, 1 2 3, तो हम कर देंगे 3 कामा। वैल्यू मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। गोरखपुर चेक कर लेना, राहुल 18 पे है, गोरखपुर आया। अब देखिए अब चेक करेंगे 102, आ गया आदित्य सिंह, कहाँ के? पडरौना, ठीक है। अब आएंगे सैलरी इक्वल लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आईडी सेलेक्ट करेंगे कामा। टेबल है रे, टेबल सेलेक्ट कर लेंगे कामा। वैल्यू मैच के लिए यहाँ इंडेक्स नंबर 4 कामा 0 ब्रैकेट बस, इंटर। 5159। अब देखो नाम चेंज करिए, तीनों एक साथ आएगा 105। बोलो अब कोई भी आएगा और बस आईडी बता देगा, अगर रियल में ऐसा तो है, किसी को बता देंगे किसी का डिटेल, ठीक है? मतलब जिसे बताने वाला वो उसी को बताएंगे, तो उसने बोला कि इस आईडी का थोड़ा डिटेल हमको बताइए, तो पहले देखेंगे तो रियल में इसका ऑर्डर माने कि ना माने। अब बताओ तुम आओगे तो थोड़ा इसका डिटेल बता दें, इसका मोबाइल नंबर बता दो, तो बता देंगे, नहीं ना? पहले पूछेंगे डिटेल क्या है, क्या बात है, ठीक है? ऐसा भी नहीं हम तुरंत हम बता देंगे, सर से भी परमिशन हमको लेना पड़ेगा, ये डिटेल मांग रहा है इसका दे दे, ठीक है? तो आपसे पूछेंगे रीजन क्या है, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे लग रहा है कि हाँ नहीं, और सर पूछे इस आईडी का थोड़ा डिटेल बताओ तो बता देंगे, ठीक है यहाँ पे। लेकिन आप कह रहे हैं मेरे इंस्टीट्यूट का मत बताओ, दूसरे कहाँ बताओ, कहा क्या बताएंगे, ठीक है? मतलब यहाँ से रिलेटेड है तो बता सकते, ठीक है? जो है तो ध्यान दीजिएगा, जो डाटा बेस टेबल में रहता है, जो डाटाबेस टेबल पर रहता है वही डाटा यहाँ पे आएगा। अब मान लो कितना है 120, और कोई कहता है 130 का निकाल दो, बताओ हमारे पास डाटा है ही नहीं तो बताएगा, तो नहीं आएगा, है जन्ने है जन्ने है जन्ने है। हाँ नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, मतलब डाटा अप्लीकेबल नहीं। शॉर्टकट की रेंज सेलेक्ट करना और बतिया हुई पड़ेगा आपको, इसे सर्च करना पड़ेगा, ए पूर्व से लेके कहाँ तक जाना है, डी लास्ट तक 24,
वो भी है शिफ्ट के साथ करो अरे यार सेलेक्ट करना चाहिए क्लिक करो अब इसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करो तो मुझे लगता है बात हुई है कि पड़ जाएगा सेलेक्ट हो गया और कोई शॉर्ट करके बता दो क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आईडी तो मान लो सबका यूनिक होता है बोलो लेकिन अगर मान लीजिए आईडी की हिसाब से वहां पे डाटा नहीं सर्च करना वहां किसके हिसाब से करना है नेम के हिसाब से मान लो गुजरे सबको आईडी पता होगा रजिस्ट्रेशन नंबर नाम पता होगा सबको ठीक है नाम ज्यादातर लोग बता देंगे हाँ यही नाम है तो नाम के अगर हिसाब से निकालना हो तो उसके लिए आपको जो आईडी है इसको छोड़ दें इससे कोई मतलब नहीं है इम्प्लाई नेम सबको क्या पता करना है एड्रेस और सैलरी ठीक है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा या आईडी को हम यहाँ पे इसके आगे करना पड़ेगा तब आईडी बताएगा मतलब भी लुकअप कहता मैं अपने से हमेशा राइट साइड के डाटा को फाइंड करूंगा ना कि लेफ्ट साइड के डाटा को तो अगर इम्प्लाई नेम के हिसाब से अगर आईडी पता करे तो नहीं पता कर पाएगा किससे भी लुकअप से इसीलिए अगर आईडी भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा इसको इधर और इसको इधर तो ये नहीं करना हमको आईडी नहीं पता करना नाम पता करना है नहीं नाम के हिसाब से एड्रेस पता करना सैलरी पता करना एड्रेस पता करना फादर नेम पता करना ईटीसी जो भी डिटेल पता करना तो उसके लिए हमको आना कहाँ पे होगा अब इसमें से कोई एक नाम हमको कॉपी करना और इम्प्लाई नेम पे लाके पेस्ट करना समाया और उसके बाद से फिर से वही फार्मूला इक्वल वी लुकअप लुकअप वैल्यू तो क्या लेंगे इस बार नेम सेलेक्ट करेंगे कामा टेबल एरे में इम्प्लाई आईडी को छोड़ के नहीं तो नहीं मैच करेगा कामा कॉलम डेक्स नंबर एड्रेस चेक करना है टू कामा जीरो ब्रैकेट वन इंटर मांडेरा सर्विस चौबे मांडेरा नाम लिखा आपको पूछा राघव तो लिख दिया राघव बता दिया राघव बोला हाँ वही हमारा अगला क्वेश्चन वही ठीक है बताएंगे जी यही पे सैलरी आ जाए ना ना नहीं ना दिमाग ज्यादा मत लगाया करो ठीक है तो यहाँ पे लिख दिया क्या राकेश तो आ गया ना राकेश का चलो अभी मैं बताने वाला था या पूछने वाला था कोई सवाल इसके बाद है तो पूछिए जैसे नाम के हिसाब से चेक कर रहे हैं जिन्होंने पूछा सर एक ही नाम बार बार हो तो मैंने बताया है कि अगर मान लीजिए उस कंपनी में उस फर्म में उस क्लास में अगर एक ही नाम के दो स्टूडेंट हैं तो या तो उनका कुछ चेंज होगा कोई मान लो यादव हो सकता है कोई कुशवाहा हो सकता है कोई शर्मा हो सकता है कोई मिश्रा हो सकता है चलो तो ऐसा भी होता है कि ये भी मैच कर ले जाता है शर्मा शर्मा ठीक है कुशवाहा कुशवाहा तो वहां पे वो लोग करते क्या है राजू फर्स्ट राजू सेकेंड राजू थर्ड कोई ना कोई नंबरिंग देते हैं उसके लिए ठीक है तो जो सबसे पहले जिसका एडमिशन है उसको राजू कर देते हैं जो बाद में आया था राजू उसको राजू फर्स्ट उसके बाद आया राजू सेकेंड उसके बाद आया राजू थर्ड बात हो रहा ना अगर मान लो दो है एक सीनियर के नाम से एक जूनियर के नाम से मतलब कुछ ना कुछ अलग चाहिए ठीक है जो डाटा बनाओगे तो आप भी कंफ्यूजन हो जाओगे बोलेंगे राजू तो चारों राजू खड़े हो जाएंगे ठीक है हाँ तो परेशान हो जाएंगे तो कहेंगे सर कुछ हमको तरीका बताइए कि राजू कहे तो हम ही खड़े हो या हम ही खड़े हो तो क्या कहेंगे बोलेंगे बाबू तुम्हें राजू क्यों बुलाऊंगा तुम्हें राजू वन बुलाऊंगा तुम्हें राजू टू बुलाऊंगा कहूंगा राजू टू तब टू वाला खड़ा होगा ना वन वाला ना फर्स्ट वाला सो रहा था आपको ना तो कुछ ना कुछ डाटा में चेंजिंग होना चाहिए तो देखिए मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने से पहले ना मैं पहले से डाटा बना के रखा हूँ देखो यहाँ पे एक रवि वन दिख रहा है और यहाँ पे रखा हूँ रवि तो जब आप लोग रवि यहाँ पे सर्च करोगे लिखोगे रवि रवि तो देखो रवि का क्या है लंदन ठीक है हाँ एंडरसन का लंदन ठीक है तो देखो रवि लंदन आ गया लेकिन एक और रवि है इनका एड्रेस कहाँ है पढ़ रहा हूँ ना अच्छा एक और रवि है नीचे लंदन तो जो क्या करता है जब एक नाम से तीन पाता है तो हमेशा ऊपर वाला डाटा खोज लेता है जैसे मान लो मैं कह दिया राजू को खोजो ठीक है इतने बैंक में राजू दो चार जगह बैठे हैं और यहाँ से राजू को खोजो
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले खुद के ले आएंगे, पहले बेंच राजू मिले उसी खींच के चले आएंगे, ठीक है। तो यही तरीका इसमें भी है, तो राजू सबसे पहले फर्स्ट पे जिसको पा जाता है उसी को बता देता है, ठीक है। जब पहले बेंच में नहीं मिलेगा तो दूसरे पे बेंच पे खोजेगा राजू ना, ठीक है। जब किसी में नहीं मिलेगा तो लास्ट वाले में मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मिलेगा, तभी उसने बोला है कि इसमें राजू है, नहीं होगा तो नहीं बताएगा। तो यही बताता है रवि फर्स्ट को पा लिया, अब देखो रवि वन हमको करेंगे तब पढ़ाना आएगा, रवि वन कर दो बस, तो आगे पढ़ाओ ना। और इसको क्या करना पड़ेगा, ये भी लंदन वाला भी नहीं बताएगा, तो फिर से कर दो यहाँ पे रवि टू। तो अब देखो अब लिखेंगे रवि वन, तो पढ़ रहा ना रवि टू तो लंदन, और रवि उसका भी लंदन ही नहीं, रवि क्यों, ठीक है। चलो इनके फ्यूचर में अगर मान लो एड्रेस चेंज हो जाता है या गलती से एड्रेस लिख दिया है, तो बाद में अगर चेंज भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। चलो पेस्ट कर दी गोरखपुर, और कर देते हैं टू गोरखपुर, ठीक है। मतलब बाद में अगर कोई डाटा चेंज करता है तो भी ऑटोमेटिक वो डाटा चेंज हो जाता है। तो आप लोग ऐसे किसका इस्तेमाल कर सकते हो, फ्री लुकअप का, और यही इस्तेमाल करना एच लुकअप पे तो सेम है, डाटा को आपको क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल बनाना होगा। तो कैसे बनेगा तो मैं तरीका बता दे रहा हूँ, तुरंत बता देगा। ए सुन लो, सबसे पहले पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो, तुरंत एक ही बार बता दे रहा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। वर्टिकल हो तो हॉरिजॉन्टल कर दोगे, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर दो, ठीक है। पूरे डाटा को सिलेक्ट करो और कॉपी कर लो, और कॉपी करके जहां हॉरिजॉन्टल करना राइट क्लिक करो और पेस्ट ऑप्शन पे आ जाओ, और यहीं पे ऑप्शन आता है ट्रांसपोज, कुछ चेंज कर दो। तो मेहनत पूर्वक करना पड़ेगा, अरे जैसे डाटा बनाने में टाइम लगता है, कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते। अरे कॉपी पेस्ट करते तो जैसा है वैसे पेस्ट होता ना, लेकिन हमने पेस्ट किया लेकिन कैसे किया, ट्रांसपोज, उसका पोज चेंज कर दिया, ठीक है। वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल है तो कॉपी राइट क्लिक ट्रांसपोज, देख लो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है एक्सेल में। वर्टिकल से डाटा को हॉरिजॉन्टल किया सकता है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल किया सकता है। अब बताओ यहाँ पे व्यू लुकअप एच लुकअप नहीं लगा पाओगे कैसे, तो व्यू लुकअप तो लगेगा नहीं यहाँ पे, एच लुकअप तो कंट्रोल सी पेस्ट बस, किसी आईडी को कॉपी करके पेस्ट, और बस यहाँ पे थोड़ा सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा दो, और कॉपी इक्वल लिख देंगे एच लुकअप, सेम वही प्रोसेस है, कोई नया नहीं है। लुकअप वैल्यू सेलेक्ट आईडी कॉमा टेबल एरे, तो टेबल एरे में पूरा टेबल कॉमा काला रो इंडेक्स नंबर, रो पूछा जा रहा है क्योंकि हमने डाटा किसका बनाया रो में, तो फर्स्ट सेकेंड सेकेंड का देखना है तो टू कामा जीरो ब्रैकेट बंद, ठीक है इंटर आया, सेम कंडीशन है, ठीक है। बस वी की जगह एच कर देना, डाटा जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल में कर देना, दोनों का काम एक ही है। तो कई बार हमको डाटा बना बना हॉरिजॉन्टल में मिल जाता है तो उसमें इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग वर्टिकल में ही डाटा बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल में कम, जब हेडिंग ज्यादा होता है तो हॉरिजॉन्टल में बनाते, ठीक है। मतलब डाटा कम हो और हेडिंग ज्यादा हो तो वहां पे जाता लो हॉरिजॉन्टल बना देते, जब हेडिंग कम हो और डाटा ज्यादा हो तो वहां पे वर्टिकल बना देते, वो कंडीशन के ऊपर है, जैसा डाटा रहेगा वैसे इस्तेमाल करेंगे जी।